आज कह लें कि बड़ा लॉस हुआ है ड्रामा इंडस्ट्री का, लाफ्टर्स का लॉस हुआ है, आबिद कश्मीरी साहब चले गए हैं। ऐसा ही है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है और लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू रहती है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ऐसे नगीने लोग, ऐसे हसीन फनकार, ये कभी कभी पैदा होते हैं और कभी कभी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टीवी फिल्म के बहुत ही मायानास फनकार, आर्टिस्ट और नहायत नफीस शख्स आबिद कश्मीरी साहब आज जो है वो हरकत कल्ब बंद होने के बायस इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। इस टाइम उनके घर के बाहर मौजूद हैं, जो शोबिस के लोग हैं वो फकदन फकदन आ रहे हैं। इस टाइम चांद बराल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दुख का लम्हा है, यकीनन उस्ताद उस्तादों में उनका शुमार किया जाता था और बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे फनकार थे। क्या कहेंगे आज वो इस दुनिया से जो है कूच कर गए हैं? एक हंसी की पटारी जो है वो बंद हो गई है फिर, और ऐसे इंसान बार बार दुनिया में कहाँ आते हैं, इतने प्यारे, इतने नफीस इंसान, इतने नफीस इंसान। मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से ताल्लुक़ है उनके साथ, 20 साल ताल्लुक़ रहा। तो अभी जब अमेरिका से वापस आ रहे थे तो मुझे सबसे पहले उन्होंने मैसेज किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह करने हैं, टेलीविज़न पे जाके शोज़ करने हैं, तो तुम ज़रा सबको बता दो। तो मैंने कहा, चूँकि मुझे अपना बेटा कहते थे। तो आज कह लें कि बड़ा लॉस हुआ है ड्रामा इंडस्ट्री का, लाफ्टर्स का लॉस हुआ है। आबिद कश्मीरी साहब चले गए हैं। गुल्लू बादशाह, किसको कह रहे हो, खैर हो आपकी, एक्सेंट, ये ऐसे डायलॉग थे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में धूम मचाई उस टाइम पे। सो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और बड़ा लॉस हुआ है हमारा। क्या कहेंगे कि स्टेज जो था उन्होंने बड़ी मुद्दत किया लेकिन एकदम ही उसको छोड़ दिया, क्या वजह थी? क्योंकि आपके बड़े करीब थे, तो क्या उन्होंने आपको बताया? असल में एक एज भी थी और दूसरा ये था कि काशिफ साहब जो उनके बेटे हैं वो अमेरिका में सेटल हो गए थे, और फिर काशिफ साहब ने उनको फ़ोर्स किया कि आप अमेरिका में मेरे पास आ जाएं, तो वो आजकल अपने बेटे के पास अमेरिका में थे। तो अब ये जो टाइम पीरियड था काम करने के बाद वाला, वो उन्होंने अमेरिका में गुजारा। पाकिस्तान में जब आते थे तो वो टेलीविज़न पे शोज़ वगैरह करते थे और लोगों को एक दफ़ा फिर हंसाते थे। बट ऐसा ही है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है और लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू रहती है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ऐसे नगीने लोग, ऐसे हसीन फनकार, ये कभी कभी पैदा होते हैं और कभी कभी आते हैं। जान साहब, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसी बात जो आपको याद हो और आप उसको सोच के जो है गमगीन हो जाएं कि यार मेरा उनके आबिद साहब के साथ बड़ा अच्छा था? मैं आपको बताऊं, मैं आगे भी पहले भी बता रहा था कि हम लोग स्ट्रगल पीरियड था उस टाइम पे, तो पैसे इतने नहीं थे मिलते थिएटर पे। तो मैं नया नया लाहौर आया था, तो उस दिन मुझे पैसों का पूछते थे कि हाँ भाई कोई किराया शराया है, जिस दिन नहीं होता था तो स्पेशल पूछते थे, स्पेशल पूछते थे, जज कर लेते थे, जज कर लेते थे। और मुझे आज तक ये समझ नहीं है कि उनको कैसे पता चलता था कि आज पैसे नहीं, ख़ास तौर पे उस दिन पूछते थे जिस दिन मेरी पॉकेट खाली होती थी। आगे पीछे सारे दिन चलते रहते थे, वो हंसी मजाक और रोटी शोटी चलती रहती थी। अमूमन ये चीज़ जो है माँ बाप जज करते हैं कि आज तो इसके पास पैसे ये नहीं। या माँ बाप जज करते हैं तो, या आबिद कश्मीरी साहब के पास ये हुनर था कि उनको पता चल जाता था कि आज खाली है। हाँ, तो वो गाड़ी में बैठने से पहले पूछते थे कि हाँ जी कोई किराया शराया तो नहीं चाहिए? तो मैं, सर तुम्हें पता ही है, लो यार फड़ो, तुसी रोटी खाओ, मैं भावें जावा या ना जावा, फड़ो तुसी। तो वो दे के भेजते थे। तो आज उनकी ये बातें याद आती हैं तो दिल दुखी होता है, बस अल्लाह का निज़ाम है, जाना सब नहीं है। मुझे बताइएगा, उनका एक इंटरव्यू जो था बड़ी बहुत वायरल हुआ, जिसमें वो कहते थे कि यार थिएटर में जो है ना हमारे मिजाज का काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैंने जो है ना बैकफुट में आया और मैं काम करना नहीं चाह रहा, आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाह रहा, क्या इसमें हकीकत थी? सही बात थी, वो उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो उनके फैलोज थे, जो उस वक्त के लोग थे जो उनके साथ काम करते थे, वो भी थिएटर छोड़ चुके थे। और कश्मीरी साहब जो थे वो बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा बेहतरीन और मज़ेदार काम करने वाले लोग थे, मतलब वो इस तरह का वल्गैरिटी वाला या कोई जेन्युइन अदाकार थे, और उन्होंने सही मानों में हंसाया है लोगों को, और ऐसे फनकार थे जो कम बात करके हंसा देते थे। तो ऐसे लोग कहाँ आते हैं, ऐसे आर्टिस्ट तो सदियों में पैदा होते हैं। सर उनकी फैमिली से बात हुई, क्या कहना है उनका, कब नमाज जनाजा अदा होगा? जी अभी काशिफ साहब जो उनके बेटे हैं अमेरिका में थे, हैं जो,
वो इंशाल्लाह ताला मेरा हाल है कल तक आ जाएंगे, तो गालिबन संडे के दिन नमाज ज़ोहर के बाद उनका जनाजा है जो मेरे सुनने में आ रहा है। लास्ट में मुझे बताइएगा कि सीनियर फनकार जो है वो फकदन फकदन जा रहे हैं, और सरदार कमाल जैसे देखा सीनियर हसीन फनकार थे सरदार, आबिद कश्मीरी साहब और तारिक टैडी साहब, क्या समझते हैं कि स्टेज पे जो सिखाने वाले लोग थे जूनियर को, वो अब किससे सीखेंगे, किससे वो कहेंगे कि यार हमें ये सिखाओ किस तरह काम होगा? देखें, वो सिखाने वाले वाकई चले गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट ज़माना बहुत बड़ा उस्ताद है, सीखने सिखाने का अमल जो है वो जारी ही रहेगा। जो सीखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं से कतरा कतरा करके दरिया इकट्ठा करेंगे, और ये सिलसिला तो चलता रहेगा और ज़माना आगे बढ़ता रहेगा, बट ये जो कमी है, ये जो लॉस है, ये कभी नहीं पूरा होगा। यकीनन ये लॉस कभी नहीं पूरा होगा। चांद साहब, लास्ट में जाते हुए, वक्त तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे नाज़रीन के लिए गुल्लू बादशाह का एक डायलॉग है, रो आपके किसको कह रहे हो गुल्लू बादशाह जी? नाज़रीन, यकीनन आबिद कश्मीरी साहब जो हैं वो आज इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, और वो उस्ताद फनकार थे और जेन्युइन फनकार थे जिनको काम आता था, जो जुग नहीं वेरिएशन से काम लेते थे, और लोगों को जो एक दफ़ा आगे जाके जब पीछे मुड़ के देखते थे ना, जैसे बबू बरार साहब, तो लोग हंसी से लोटपोट हो जाते थे। अपनी राय से ज़रूर गवाह कीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।